हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम आई एम अंकना योर एडुकेटर एट एम एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू आंसर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट अक्रॉस ड्यूरिंग आर प्रिपरेशंस ऑफ एनी एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते वक्त हमारे पास कुछ मेन स्ट्रीम बुक्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में एनसीआर अगर आप आगे चल के पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के लिए एच वर्मा सो एंड एंड सोफोर्थ बट अलॉन्ग विद दीज बुक्स हमें कई सारे हमारे टीचर्स और प्यर्स से सजेशंस भी मिलते हैं कि ये किताब भी पढ़ लो वो किताब भी पढ़ लो और हम खुद भी कई सारे और बुक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपरेशन बट समझ नहीं आता कि कौन सी किताब खरीदे कौन सी नहीं और कहाँ रखें प्लस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टिंग इन टू दीज बुक्स कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग सो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट्स फाइंड द सोल्यूशन टू दैट सबसे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका जो गोल एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपने सही तरीके से बाइक की प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइन्थ सी की स्टूडेंट हूँ देन दैट शुड बी माई गोल बट अगर मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे उसके हिसाब से अपने गोल का सिलेक्शन करना होगा ताकि मेरा रेलिवेंट कॉन्टेंट मेरे लिए यहाँ पे अपेयर कर सके अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो तो स्कूल एग्जाम्स में जाकर के अपने सही स्पेसिफिक स्कूल रेलेवेंट बोर्ड का चुनाव करोगे फॉलोड बाय योर क्लास एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग एंड देन यू विल बी डन विथ योर गोल अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहे हो जेई मेन्स एडवांस तो उसके लिए आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे क्लिक करोगे जैसे मैंने बताया मैं नीट के लिए कर रही हूं तो मेडिकल एंट्रेंस पे क्लिक कर दूंगी आई विल सेलेक्ट नीट फॉलोड बाई इंग्लिश एंड विद दिस माई गोल हैज बीन सिलेक्टेड नाउ वी हैव समथिंग टू ऑफर टू यू एज आई टोल्ड यू टू रिजॉल्व दिस बिगेस्ट डेलेमा एंड क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो सबसे पहले आप होम पे जाओगे या आप लर्न प्रैक्टिस किसी भी टैप पे चले जाओ आपने करना है नीचे स्क्रोल डाउन और फिर आपको मिलेगा एक ऑप्शन कॉल्ड द एम्बाइब बिग बुक्स ये एम्बाइब बिग ये एम्बाइब बिग बुक्स आपके लिए हर एक सब्जेक्ट और हर एक एग्जामिनेशन गोल्स के लिए अवेलेबल है अब है क्या ये चीज बच्चे ये वो बुक है जो हमने एम्बाइब में आपके लिए बनाई है आपके इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कौन सी किताब से पढ़ें और कौन सी किताब खरीदें What we have done is we have created a collection of the most important, most asked questions and topics in this book from one of the most famous authors and publishers, which is usually suggested for those specific examinations that you will be preparing for. And as a result of which, you can just buy your mainstream books and not all these and not all the other supplementary books and instead prepare from the Imbibe Big Book. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो जब मैं बिग बुक पे क्लिक करती हूं मेरे को यहां पे नजर आ रहा है कि मेरे पास 430 हंड्रेड थर्टी आवर्स एंड फिफ्टी मिनट्स का लर्निंग कंटेंट है साथ ही साथ 1966 थाउजेंड आवर्स एंड 23 मिनट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज सो ऑसम नेचुरली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी बुक्स दैट इज रेलिवेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन यहाँ पे जाकर के आप अपने चैप्टर का चुनाव कर सकते हो यू कैन पिक द टॉपिक दैट यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस फॉर एज यू कैन सी द क्वेश्चन आर ऑल्सो अवेलेबल हियर फॉर प्रैक्टिस द पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर दिस टॉपिक इज अवेलेबल जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू हैव अ क्विक समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इस प्रैक्टिस में हमारे पास ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटी फोर क्वेश्चन है फ्रॉम फिफ्टी नाइन डिफरेंट बुक्स साथ ही साथ मेरे पास एम्बाइब एक्सप्लेनर्स भी हैं जो कि हैं वो वीडियोस जो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड लर्निंग में हेल्प करेंगे एंड अगेन दिस वीडियोस आर फ्रॉम ऑल दो फेमस बुक्स दैट विल बी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू वुडेंट हैव टू बाई ऑल ऑफ दैम एनी मोर और एनी अदर प्रैक्टिस बुक और एनी अदर प्रैक्टिस बुक फॉर दैट मैटर बट स्टिल देर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज इन लर्निंग